Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. One brand जो आपने हमेशा मेरे content में देखी होगी from story recommendation, YouTube, monthly favorites, which is Plum Goodness. Plum से मेरा प्यार बहुत ज़्यादा और मैं काफ़ी time से उनके साथ work भी कर रही हूँ. मैंने personally भी उनके product खरीद के use करें because मुझे अच्छे लगते हैं from their skin care to makeup. So अभी right time है Plum के products देने का because Plum की शुरू हो चुकी है birthday bash sale. Plum का है 10th birthday. Plum का हर साल जब भी birthday आता है बहुत amazing sale लगती है. इस बार तो वैसे उनका 10th बर्थडे तो और भी बेटर सेल लगने वाली है. बाय टू गेट टू आपको मिलेगा, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे फ्रीबीज. मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे सेल के टाइम में स्टॉक अप कर लिया करो अपना बॉडी केयर, फ्रेग्रेंस, स्किन केयर, बिकॉज बहुत अच्छी डील पे मिलता है. सो मुझे लगा एक अपडेटेड रिकमेंडेशन बना लेते हैं, बिकॉज जब भी Plum की ऐसे सेल आती थी ना मैं वही पुरानी शॉर्ट्स रीपोस्ट कर देती थी, बट इस बार मेरा मन है एक अपडेटेड लिस्ट आपको बताने का. सो मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे Plum के टॉप पिक्स. दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय Plum, नॉट एट ऑल इन कोलैबोरेशन. इट इज जस्ट दैट मैं खुद अपने पर्सनल रिकमेंडेशन बताना चाहती हूँ Plum के. द कोड दैट यू कैन यूज फॉर एडिशनल फ्री गिफ्ट एंड डिस्काउंट इज कशिका 15. उससे आपको एडिशनल फ्री गिफ्ट भी मिल जाएगा. सो वो कोड एफिलिएट है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, बट दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड. ऑल्सो Plum इज काइंड इनफ टू सेंड मी देयर बर्थडे बैश सेल बॉक्स. ये मैं लास्ट में अनबॉक्स करने वाली हूँ. विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट विद स्किन केयर. Plum ने अपनी स्किन केयर रेंज काफी बढ़ा दिया फ्रॉम रेटिनॉल, विटामिन सी, नियासिनमाइड. लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली एक दो प्रोडक्ट्स ही बताने वाली हूँ जो मेरे पर्सनल फेवरेट है और आप शॉर्ट शॉर्ट ले सकते हो अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है. सबसे पहला फेवरेट जो मेरे ओजी फैमिली है उनको पता होगा जो बहुत पहले से मुझे फॉलो करते हैं, अब भी मेरी वो वीडियो बहुत चलती है बिकॉज काफी लोग जब ये सीरम लेते हैं वही वीडियो को रेफर करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट Plum विटामिन सी सीरम. यह Plum का विटामिन सी एंड मैंडरिन 15% सीरम. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये इनका मिनी वर्जन है. द बेस्ट पार्ट इज Plum के मिनी सीरम्स भी आते हैं और इससे छोटे भी सीरम आते हैं. सो Plum का एक बड़ा वाला साइज आता है जो इससे फुल साइज होता है. ये इसका मिनी वन है और एक सेट ऑफ 4 में छोटे भी आते हैं, विच इज वेरी नाइस. अगर आप बहुत कंफ्यूज हो ना कि आपको कौन से टाइप का सीरम यूज करना चाहिए या फिर पहले आप ट्राई करके देखना चाहते हो, मैं आप इमेज इंसर्ट करूंगी. Plum का एक सेट ऑफ 4 का सीरम आता है विच इज जस्ट अमेजिंग. वो इतने इतने से सीरम आते हैं और आप ट्राई करके देख भी सकते हो कि सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे, एंड देन यू कैन बाय द फुल साइज वन. तो सेल में ऐसे मिनी वाले लेने का बहुत अच्छा मौका है. सो दिस सीरम इज जस्ट अमेजिंग. आप इन डेडिकेटेड वीडियो भी देख सकते हो, मैं यहाँ का लिंक भी कर दूंगी. दिस इज वेरी नाइस फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. विटामिन सी का वैसे भी बहुत अच्छा ब्राइटनिंग इफेक्ट होता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज एकदम पतला पानी जैसा सीरम है जो बिल्कुल भी हैवी ग्रीसी फील नहीं होता. दिस इज लिटरली लाइक वाटर. सो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, आप एक अच्छा ब्राइटनिंग विटामिन सी सीरम देख रहे हो, कैन बाय इट. विटामिन सी का सनस्क्रीन के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो बहुत अच्छा होता है. दोनों मिलके बहुत अच्छे से वर्क करते हैं स्किन के लिए. विटामिन सी का एक ब्राइटनिंग इफेक्ट होता है, एक्ने मार्क्स को लाइटन अप करने में हेल्प करता है, ओवरऑल आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है. माय नेक्स्ट फेवरेट सीरम इज द Plum राइस वाटर एंड नियासिनमाइड 10% सीरम. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसका भी मैंने डेडिकेटेड रिव्यू किया हुआ है, अगेन वेरी वेरी नाइस. अगर आप एक अच्छा नियासिनमाइड सीरम देख रहे हो तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो. द बेस्ट पार्ट इज ये काफी सूदिंग है स्किन के लिए, बिकॉज ये एक लौता ऐसा नियासिनमाइड सीरम है जो मार्केट में भी मिल रहा है जिसके अंदर राइस फॉर्मेट एक्सट्रैक्ट भी है. बाकी आपको जो भी सीरम मिलते हैं वो खाली नियासिनमाइड बेस्ड होते हैं, एक दो और इंग्रेडिएंट्स होंगे, लेकिन इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है राइस फॉर्मेट एक्सट्रैक्ट. फिर उसमें नियासिनमाइड है, लिक्रिश है, स्कॉलिन है, मतलब इसकी जो ओवरऑल फॉर्मुलेशन है ना वो काफी नरिशिंग और सूदिंग है. सो इफ यू हैव ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, मैं बहुत ज्यादा ऑयली स्किन को ये समर्स में रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज ये थोड़ा सा हैवी हो सकता है आपके लिए. लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है, थोड़ी सी सूखी सूखी स्किन है, आपको नरिशमेंट देनी है, या फिर आपकी स्किन का बैरियर खराब हो गया बिकॉज नियासिनमाइड और जो इसके अंदर बाकी चीज़ें हैं ना लाइक इसके अंदर स्कॉलिन है, ये काफ़ी अच्छे से आपके स्किन के बैरियर को भी रिपेयर करता है. लुक एट दिस, इट हैज दिस थिक मिल्की सॉर्ट ऑफ टेक्सचर जो काफ़ी अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है. इट लिटरली फील्स लाइक अ मॉइस्चराइजर फॉर योर स्किन. इसके ऊपर आप डायरेक्टली अपना सनस्क्रीन या फिर मेकअप कर सकते हो, आपको एक सेपरेट मॉइस्चराइजर की भी जरूरत नहीं है बिकॉज ये अपने आप में बहुत अच्छी नरिशमेंट देता है. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ मॉइस्चराइजर एंड इट इज फ्रॉम द सेम नियासिनमाइड रेंज. जो नियासिनमाइड सीरम है ना Plum का, उस सेम रेंज का मॉइस्चराइजर भी आता है. एंड सो एज द विटामिन सी सीरम, जो Plum का विटामिन सी सीरम है, सेम रेंज का इनका मॉइस्चराइजर भी आता है. सो अगर आप सीरम्स नहीं यूज करना चाहते, स्पेसिफिकली मॉइस्चराइजर यूज करना चाहते हो, बिकॉज मॉइस्चराइजर थोड़े जेंटल होते हैं, सीरम थोड़े कंसेंट्रेटेड फॉर्म होती है, तो आप दोनों के मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो. लेकिन विटामिन सी मॉइस्चराइजर से बेटर मुझे इनका नियासिनमाइड वाला मॉइस्चराइजर लगता है. अगेन वेरी वेरी सूदिंग. यह Plum का राइस वाटर एंड नियासिनमाइड 2% मॉइस्चराइजर. सो सीरम के अंदर 10% नियासिनमाइड था, इसके अंदर 2% नियासिनमाइड है. सो अगर आपको नियासिनमाइड की हाइयर कंसेंट्रेशन सूट नहीं करती, काफी लोगों का मैंने देखा है, काफी लड़कियां कहती हैं हमने 10% सीरम यूज किया, हमारी स्किन ब्रेकआउट हो गई, एक्ने बढ़ गए, तो आप एक 2% नियासिनमाइड का मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो बिकॉज ये जेंटल है, सूदिंग है. अगेन ये ब्लेमिशेस को फेड करता है, सीरम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है बिकॉज नियासिनमाइड का काम भी होता है ऑयल को कंट्रोल करना. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज लिटरली लाइक अ जेली, एकदम लाइट मॉइस्चराइजर है. अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो
तो ये तो काफ़ी लाइट और अच्छा मॉइस्चराइजर है, लाइक यू कैन सी, दिखेगा भी नहीं आपको, बिल्कुल पानी जैसा ही पतला मॉइस्चराइजर है. अगेन वेरी वेरी नरिशिंग एंड सूदिंग. अगर आपका भी स्किन बैरियर खराब हो गया है या फिर एक्ने है, पिगमेंटेशन है, तो आप डेली बेसिस पे एक ऐसा लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो. मुझे ऐसा मॉइस्चराइजर नाइट टाइम में भी काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज रात को मुझे इतनी थिक मॉइस्चराइजर लगा के सोने की आदत नहीं है. आप एक ऐसा लाइट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, विच इज़ परफेक्ट फॉर नाइट टाइम. मैंने आपको सीरम और मॉइस्चराइजर तो बता ही दिया, सो मुझे लगा एक अच्छा फेस वॉश भी रिकमेंड कर देती हूँ ताकि आपका रूटीन कंप्लीट हो जाए. सो प्लम की एक और रेंज आती है, विच इज़ द ग्रीन टी रेंज. सो ग्रीन टी रेंज का मेरा फेवरेट फेस वॉश है ये वाला. ये जब लॉन्च ही हुआ था ना, मतलब नया नया निकला था, तब मेरे साथ प्लम ने कोलैबोरेट भी किया था. मैंने इसको टेस्ट किया था, रिव्यू किया था, एंड आई लव्ड इट. पहले इसकी पैकेजिंग थोड़ी अलग आती थी, जो बहुत पहले इसको यूज़ कर चुके उनको पता होगा, वो थोड़ी सी राउंड वाली ट्यूब थी, अब ऐसे फ्लैट वाली ट्यूब में आता है. सो पैकेजिंग इन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दिया, बट द फॉर्मुलेशन इज बेटर एंड गुड. दिस इज द प्लम ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश. ये स्पेसिफिकली बना है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए. ये पिंपल्स के साथ फाइट करता है, कंट्रोल करता है ऑयल को. इसके अंदर है ग्लाइकोलिक एसिड, विच इज अ वेरी नाइस AHA, जो काफी अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है. दिस इज अ कंप्लीटली न्यू पैकेजिंग जो मुझे रिसेंटली रिसीव हुई थी प्लम के PR में, बट पर्सनली आई हैव ट्राइड इट एंड लव्ड इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेयर केयर. सो हेयर केयर में सबसे पहली रेंज मैंने प्लम की ट्राई करी थी, जो आई थिंक लॉन्च ही सबसे पहले हुई थी, विच वॉज द एवोकाडो रेंज. मैंने प्लम का एवोकाडो हेयर मास्क ट्राई किया था, जो यहाँ पर मैं इंसर्ट कर दूंगी. मैं लिटरली पूरा फिनिश ऑफ कर दिया था, इट वॉज सो गुड. वो स्पेसिफिकली जो एवोकाडो रेंज है ना, ये बनी है डल एंड फ्रिजी हेयर के लिए. तो अगर आपको भी ऐसे फ्रिजीनेस है, मॉनसून में ऐसे बाल उड़े उड़े रहते हैं, तो आप इनकी स्पेसिफिकली एवोकाडो रेंज ट्राई कर सकते हो. उसका कंडीशनर बहुत अच्छा है, शैम्पू बहुत अच्छा है, उसका ऑयल भी बहुत अच्छा है, जो एक सीरम वाला ऑयल आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. मैं साइड बाय साइड सबके यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगी, सो दैट आपको एक आइडिया लग पाए. और सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो प्लीज चेक करते रहना. सो वो हेयर मास्क तो मेरा खत्म हो चुका है, लेकिन अभी जो मैं रेंज यूज कर रही हूँ, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर वीक एंड डल हेयर. सो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा वीक हैं, झड़ रहे हैं, फिर ओवरऑल डल हैं, सूखे सूखे हैं, यू कैन ट्राई देयर कोकोनट मिल्क एंड पेप्टाइड रेंज. ये है उस रेंज का शैम्पू जो मैं आजकल यूज भी कर रही हूँ. आई पर्सनली लव इट, काफी अच्छे से नरिशमेंट देता है. सो अगर आपके बालों में भी डलनेस आ गई है, बिकॉज देर आर डेज मैं इवेंट में जाती हूँ, प्रेसिंग करती हूँ, कर्ल्स करती हूँ, स्ट्रेटनिंग करती हूँ, तो वो हीट की वजह से ना बाल बहुत ज्यादा ऐसे डल हो जाते हैं. तो ऐसे पेप्टाइड्स वाले, नरिशमेंट वाले शैम्पू काफी अच्छे हैं आपके लिए. सो इसमें स्ट्रेंथ मिलती है, शाइन मिलती है आपके बालों को, नरिशमेंट देता है और इनहेंस करता है आपके बालों को. सेम रेंज का मेरे पास हेयर मास्क भी है, लेकिन मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं किया, अभी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल ऐसा पैक का पैक रखा है. मैंने वो एवोकाडो वाला हेयर मास्क ट्राई किया हुआ, सो मुझे पता है ये भी डेफिनेटली बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है. दिस इज द सेम रेंज, कोकोनट एंड पेप्टाइड स्ट्रेंथनिंग हेयर मास्क, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो ये सेम रेंज का ही है. कभी भी आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए हो ना, तो हमेशा सेम रेंज के प्रोडक्ट्स यूज करो, शैम्पू भी, हेयर मास्क भी, ताकि आपको एकदम बेस्ट वाला रिजल्ट मिले. मैंने पर्सनली अभी हेयर मास्क ट्राई नहीं किया, जब करूंगी आपको डेफिनेटली अपडेट दे दूंगी. इस वीडियो में कोई भी फेक रिव्यू नहीं कर रही बिना टेस्ट करे. सो यार, दीज आर द टू रेंज जो मैंने बात करी. इसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ है, इचीनेस है, तो आप इनका टी ट्री रेंज ट्राई कर सकते हो. इनकी टी ट्री रेंज में एक हेयर सीरम आता है, जो एक एप्लीकेटर के फॉर्म में आता है. मैं यहाँ पे बॉटल उसकी इंसर्ट कर दूंगी. अगर आप बहुत पहले से मुझे फॉलो करते हो, आपने मेरे मंथली रिकमेंडेशन या फिर इंस्टाग्राम रिकमेंडेशन में डेफिनेटली वो देखा होगा, बिकॉज अपने घर पे लाइक शादी से पहले मैं वो दो बॉटल फिनिश कर चुकी थी. शैम्पू करना उस दिन एक दिन पहले रात को लगाती थी, एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क रियली वेल फॉर इचिंग एंड डैंड्रफ. अगर आपको भी लाइक मॉनसून में स्पेसिफिकली होता है, बिकॉज बारिश के दिनों में क्या होता है, फंगस डेवलप होने का चांस होता है. अगर आप बारिश में कहीं बाहर चले जाते हो, बारिश आपके बालों पर गिरती है, तो एक इची इचीनेस फील होती है, तो उस केस में इनकी टी ट्री रेंज काफी अच्छी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ प्लम, विच इज बॉडी केयर. प्लम का बॉडी केयर इतना यूनिक और इतना अच्छा ना, बिकॉज हर एक रेंज इनकी इतनी अच्छी स्मेल करती है. सो लेट्स स्टार्ट विद शार्जिल. शार्जिल वैसे मैंने इनके दो ऑलरेडी ट्राई करे हुए हैं. आई ट्राइड देयर ट्रिपिंग मिमोसा, जो एकदम लेमनी और एकदम वैसा फील होता है, मौसमी, जैसे एक्चुअल में मिमोसा ड्रिंक होती है ना, बिल्कुल वैसी वाली उसकी वो खुशबू आती है, लुक एंड फील आती है. सो वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. इफ़ यू लव सिट्रस, अगर आपको सिट्रस खुशबू पसंद है, परफ्यूम डिओ, सो इनकी एंटायर ट्रिपिंग मिमोसा रेंज काफ़ी अच्छी है. अदरवाइज यू कैन गो फॉर हवाइन रूम्बा. ये भी एकदम न्यू पैकेजिंग मेरे पास रखी है. मैं अपने पहले लाइक शादी से पहले ऑलरेडी ये वाला शार्जल एक ख़त्म कर चुकी हूँ. ये भी काफ़ी अच्छा है. हवाइन रूम्बा इज दैट बीची बीची एक्वा, जो एक पानी वाली खुशबू होती है ना, इसकी बिल्कुल वाली खुशबू है, जो बीच पर आपको फील होती है. सो लिटरली एवरी फ्रेग्रेंस हैज इट्स ओन फील. बॉडी शिमर ऑयल, ये भी इन्होंने एक या दो अलग अलग वेरियंट्स में निकाले हैं. आई हैव द वेरियंट कॉपर शीन, और सैडली मेरा थोड़ा सा लीक हो गया था. आई डोंट नो कैसे, ऐसे कहीं गिर गया था और फिर पूरा ड्रेसिंग टेबल में लीक हो गया था, बट दिस वन इज वेरी नाइस. लाइक अगर आप शादी पार्टी में जाना चाहते हो, आपने बैकलेस पहना है या फिर आपने शॉर्ट ड्रेस पहनी है, आपके लेग्स एकदम डल लग रहे हैं, ट्रस्ट मी, एड दिस टू योर बॉडी मॉइस्चराइजर. डायरेक्ट मत लगाना, बिकॉज बहुत ज़्यादा शिमरी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा आप एकदम डिस्को बॉल बन गए. कैन यू सी, इस ये ऑयल है लेकिन इसके अंदर शिमर इन्फ्यूज्ड है, सो
लिटरली आपकी बॉडी को ऐसे शाइन शाइन लुक देता है. इसके अंदर ऑयल भी है तो नरिशमेंट भी देता है. सो मैं पर्सनली क्या प्रेफर करती हूँ उसको, कोई भी बॉडी लोशन या फिर फाउंडेशन, बिकॉज काफ़ी बार होता है नीज थोड़े से डार्क होते हैं तो ऐसे ड्रेस में अच्छी लुक नहीं आती, या फिर बैक हल्की सी डार्क लगती है बिकॉज ऑब्वियसली आपने फेस पर तो इतना मेकअप कर लिया, हैंड्स और बैक आपके टैन दिखते हैं. सो मैं कोई भी मेरा जो पुराना फाउंडेशन होता है मैं उसको सेपरेट रखती हूँ अपने हैंड्स और बैक के लिए, उसके अंदर एक या दो पंप इसके मिक्स करती हूँ फिर अच्छे से मसाज कर लेती हूँ. एंड ट्रस्ट मी योर फोटो विल टर्न आउट सो गुड बिकॉज आपके हैंड्स, आपके लेग्स, आपका बैक इतनी अच्छी शाइन करेगी. इट हैज़ दोज माइन्यूट शिमर पार्टिकल्स और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है. इट हैज़ दैट वेरी नाइस परफ्यूमी फ्रेग्रेंस, तो आपकी बॉडी से भी अच्छी खुशबू आती है. सो या अगर आप एकदम शिमरी शिमरी चाहते हो या फिर आप बीच लुक करना चाहते हो, आजकल बाहर ट्रेंड था, इंडिया में भी आ चुका है, बीचेस पर जब हम जाते हैं वी रियली वॉन्ट दैट ग्लॉसी एकदम, वो क्या कहते हैं, ग्लेज्ड स्किन, एकदम डोनट जैसी ग्लेज्ड स्किन आपको अगर चाहिए तो आप ये डेफिनेटली वाला शिमर ऑयल ट्राई कर सकते हो. आई हैव द कॉपर शीन वन, लेकिन इसका एक और कलर आता है जो आई थिंक थोड़ा सा लाइटर है, थोड़ा सा टैन लुक देता है. एक और कलर आता है जो हल्की सी लाइटर लुक देता है. सो वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. दीज आर वर्थ एवरी पेनी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेग्रेंसेज, बिकॉज प्लम की फ्रेग्रेंसेज मेरी पर्सनल फेवरेट है. जब भी बाय टू गेट टू सेल आती है या फिर ये बर्थडे सेल आती है, मैं हमेशा अपनी इंस्टा स्टोरीज पे कहती हूँ बाकी सब चीज़ें लो ना लो, लेकिन इनके बॉडी मिस्ट और परफ्यूम तो स्टॉकअप कर लो बिकॉज ये इतने अच्छे हैं ना. बॉडी मिस्ट तो आई थिंक हर एक कॉलेज लड़की के बैग में होगा ही होगा, या फिर जो जिनको शौक होगा बॉडी मिस्ट लगाने का उन्होंने डेफिनेटली प्लम के बॉडी मिस्ट ट्राई करे ही होंगे बिकॉज ये बहुत अच्छे हैं. सो मेरा आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज अ न्यू रेंज जो प्लम ने रिसेंटली लॉन्च करी है, विच इज द स्मोकिंग वनीला. दिस इज आउट लुक्स लाइक, ये वनीला फ्लेवर है, इनका एक और वनीला भी आता है, ये थोड़ा वैसा है बट इट हैज़ अ स्वीटर टच टू इट. वो एम्बर और मस्की का बहुत एक अच्छी खुशबू है जो इसको वनीला से थोड़ा सा हटके बनाता है. सो अगर आपको भी एक्सपेरिमेंट करने का शौक है, लाइक आप एक मिस्ट हमेशा नहीं यूज़ कर सकते, तो आप प्लम की अलग अलग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. बट मेरा जो पर्सनल फेवरेट बॉडी मिस्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट लिटरली स्मेल्स एक्जॉटिक, एक अच्छा परफ्यूम जैसी इसमें से खुशबू आती है. इट इज़ वेरी डिफरेंट, आपको कोई भी ब्रांड में या ये वाली खुशबू नहीं मिलेगी. दिस इज समथिंग ऑन द मैनली साइड. जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा मुझे मेन परफ्यूम बहुत अच्छे लगते हैं. जो मेन परफ्यूम की एक वो आफ्टर शेव वाली खुशबू होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. सो इसकी भी एक वो वाली आफ्टर शेव और थोड़ी सी मेन परफ्यूम वाली खुशबू है. दिस इज द ऑर्चिड यू नॉट, एंड यू कैन सी मेरी खत्म होने वाली है. मैं ये बहुत यूज़ करती हूँ, जिम जाना हो, इधर उधर कहीं जाना हो. बॉडी मिस्ट के साथ क्या है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते. इफ यू थिंक ये परफ्यूम जितना बहुत लंबा चलेंगे तो आई एम सॉरी, ये नहीं चलेंगे. यू हैव टू कीप इट इन योर बैग, कॉलेज बैग, ऑफिस बैग, कि आप उसको रीटच करते रहो. बट दीज आर सेफ. मैंने अब डिओड्रेंट्स थोड़े से कम कर दिए बिकॉज जो भी वैसे डिओड्रेंट्स होते हैं उनमें वो केमिकल होता है जो सेफ नहीं होता बॉडी के लिए. बट ऐसे बॉडी मिस्ट अच्छे हैं, लाइट होते हैं, आप इसको अपनी स्किन पर भी लगाओगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई डार्कनेस नहीं आएगी. आप इनको कपड़ों पर भी लगाओगे, कपड़े आपके स्टेन नहीं होंगे बिकॉज द फॉर्मुला इज वेरी नाइस. प्लम ऑल्सो हैज EDPs और ये ऐसे मिनी फॉर्म में भी आते हैं, विच इज सो सो गुड फॉर योर बैग्स बिकॉज आप इसको अपने कोई भी छोटे छोटे बैग में कैरी कर सकते हो. आई हैव द हवाइन रूम्बा वन. दिस आवर लुक्स लाइक, ये ग्लास की बॉटल है बाय द वे. जो मिस्ट आते हैं वो प्लास्टिक बॉटल में आते हैं, लेकिन ये परफ्यूम है तो एक कांच की बॉटल में आता है. एंड द स्प्रे इज ऑल्सो वेरी नाइस. आई लव, बहुत ही खुशबू. हवाइन रूम्बा इज़ वेरी नाइस, लाइक इट्स नॉट दैट मीठा, इट्स नॉट दैट सिट्रसी, इट्स समथिंग इन द मिडल जो एकदम राइट हिट करता है. सो आई लव इट, बहुत अच्छे हैं. आप अपने छोटे छोटे बैग्स में भी डाल सकते हो. इसका भी पैक ऑफ फोर आता है. सो अगर आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हो ना, दिस इज़ द बेस्ट टाइम बिकॉज आपको परफ्यूम्स पर बहुत अच्छी डील मिल जाएगी. किसी को गिफ्ट करना हो आप इनका मिनी वाला चार वाला सेट भी दे सकते हो, विच इज़ वेरी वेरी नाइस. वी आर डन विद स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर. नाउ इट्स टाइम फॉर मेकअप बिकॉज प्लम का मेकअप भी काफ़ी अच्छा. और बाय टू गेट टू में अगर मेकअप मिल रहा हो तो किसी को नहीं छोड़ना चाहिए बिकॉज आजकल मेकअप काफी एक्सपेंसिव हो गया है. तो सबसे पहला रिकमेंडेशन जो मेरा है, जो मेरा अब एमटीज के बॉक्स में चला गया है, वो है ये प्लम का प्रेप सेट गो फेस प्राइमर. यू कैन सी मैंने निचोड़ दिया है, मतलब इसमें एक आउंस मैंने छोड़ा नहीं होगा, बिल्कुल मैंने इसको अच्छे से निकाल दिया है. दिस इज अ वेरी नाइस सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर. इनफैक्ट जो नायका का प्रेप मी अप प्राइमर आता है, ये बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट कॉपी है. सो अगर आपको ये सेल पे अच्छा डिस्काउंट पे मिल रहा है, प्लीज ले लो बिकॉज दिस इज वर्थ एवरी पेनी. नेक्स्ट मेंशन हैज टू बी देयर काजल बिकॉज दे स्टार्टेड देयर जर्नी विद दिस प्रोडक्ट ओनली. ये पहला प्रोडक्ट था प्लम का जो मैंने खुद अपने पैसे परचेज किया था, ट्राई किया था बिकॉज तब ये जब नया नया लॉन्च हुआ था इसकी बहुत हाइप थी. और मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम जब ये लिया था, मैंने लिटरली एंटायर पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम यही यूज किया था बिकॉज मॉर्निंग में जेल लाइनर लगाने का किसी के पास टाइम नहीं होता. दिस इज अ वेरी नाइस जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन जो पेंसिल फॉर्म में आती है. एंड द बेस्ट पार्ट इज हर पैकेजिंग के साथ आपको एक शार्पनर भी मिलेगा, एक ट्राइंगल पिरामिड जैसी इसकी पैकेजिंग आती है, उसके अंदर शार्पनर भी आता है. दिस इज हाउ द काजल लुक्स लाइक. अब तो इन्होंने अपने बहुत सारे कलर भी निकाल दिए, सो इसमें कलर भी आते हैं. मेरे पास हार्डली वो नहीं है, मैं डेफिनेटली इनके कलर लेने वाली हूँ बिकॉज सुबह सुबह अगर कहीं लेट हो रहे हो ना, कहीं जल्दी जल्दी जाना हो, लिटरली स्ट्रेच योर आईज, अप्लाई लाइक दिस एंड यू आर गुड टू गो. सो मैं आपको स्वॉच भी एक बार दिखा देती हूँ. सो इनका जो
लाइक कैन यू सी इट इज़ सो पिगमेंटेड. अभी मेरे हाथों पे ना बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट और क्रीम लगी हुई है तो इतना ज़्यादा अच्छे से ग्लाइड नहीं हो रहा, बट अदरवाइज इट इज़ जस्ट अमेजिंग. लाइक वन स्वाइप में यू गेट सच इंटेंस पिगमेंटेशन, बिल्कुल भी ब्लीड नहीं होता है, ऐसे स्मज ऑफ नहीं होता. दिस इज़ वेरी नाइस. अगर सेल पर आप ये स्टॉकअप करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो. एंड फाइनली एट लास्ट आई हैव देयर लिपस्टिक्स. प्लम की लिपस्टिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज इनके फॉर्मुलेशन अच्छे हैं. दीज आर सेफ फॉर योर लिप्स. इससे कोई डार्क नहीं या फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला. एंड ऑल्सो दे आर वीगन. अगर आप कंप्लीटली वेजिटेरियन हो, वीगन हो, तो आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो अपने लिप्स पे लगा रहे हो उसमें एनिमल फैट तो नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम जो ब्रांड्स की आपको लिपस्टिक मिलती है ऑफकोर्स उसमें एनिमल फैट होने के चांसेस होते हैं. बट प्लम इज अ वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री ब्रांड, सो आप सेफली इसको यूज कर सकते हो. आई रिमेंबर जब भी मैं ऐसे फास्टिंग करती हूँ नवरात्र एंड ऑल में, तो मैं प्लम की लिपस्टिक ही लगाती हूँ बिकॉज आई कंसिडर इट वीगन. सो सबसे पहली मेरी फेवरेट है प्लम की ये वाली क्रेयॉन लिपस्टिक. आई एम इन द शेड 125 पीच ईयर. एंड द बेस्ट पार्ट इज इट रिट्रैक्टेबल फॉर्म में. इसको शार्पन करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज ऐसे मोटे वाले क्रेयॉन्स अगर शार्प करने पड़ जाए ना बहुत अनॉइंग हो जाता है. सो आई लव द फैक्ट कि ऐसे रिट्रैक्टेबल फॉर्म में आती है. और ये जो शेड है ना पीच ईयर, ये मोस्ट ऑफ टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहता है. आई होप ये अभी अवेलेबल हो. अगर होगा तो डेफिनेटली लेना बिकॉज दिस इज वेरी नाइस. दिस इज दैट परफेक्ट एवरीडे वेयर वाला न्यूड जो बहुत सुंदर लगता है, बिल्कुल भी ओवर पावरिंग या लाउड नहीं लगता. ये मेरी शूटिंग वाली लिपस्टिक है. मैं लिटरली इसको एक अलग से अपने स्टूडियो रूम में एक बॉक्स में रखती हूँ बिकॉज मैं जब भी कोई स्किन केयर वीडियो बनाती हूँ, कोई नेचुरल मुझे वीडियो बनानी होती है जिसमें बोला होता है ब्रांड ने कि कोई मेकअप नहीं करना, आपके लिप्स एकदम न्यूट्रल लगने चाहिए, तब मैं स्पेसिफिकली यही लिपस्टिक लगाती हूँ बिकॉज दिस इज लिटरली लाइक माई लिप्स बट बेटर. इससे ओवर नहीं लगते, लाइट नहीं लगते, बहुत अच्छा मेरे लिप्स को कलर मिलता है. एंड अगेन दिस इज मैट, इट गोज ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड अगेन सेफ फॉर लिप्स. सबसे पहली है मेरी फेवरेट प्लम की मैटिफाइंग लिपस्टिक इन द शेड गो रूज. 125 इसका शेड है. इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल रेडिश कलर. ये मैं स्पेसिफिकली ऐसे इंडियन क्लोदिंग के साथ लगाना प्रेफर करती हूँ बिकॉज इसका बहुत प्यारा ऐसे रेड रेड कलर है. कैन यू सी, इट्स लाइक दैट मरूनिश रेड कलर जो बहुत प्रिटी लगता है. और इंडियन स्किन टोन को तो स्पेसिफिकली ये वाला कलर काफी फ्लैटर करने वाला है. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. नेक्स्ट लिपस्टिक जो है इसके ऊपर नेम नहीं लिखा है, बट मैं नीचे डेफिनेटली मेंशन कर दूंगी कि एग्जैक्टली इसका नेम क्या है बिकॉज यहाँ पैकेजिंग पर तो नहीं लिखा हुआ. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूडिश कलर जो एवरीडे बेसिस पे बहुत अच्छा लगता है. ये भी मेरा फेवरेट मॉविश कलर है जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है. नाउ दीज वर माई प्लम रिकमेंडेशन. नाउ इट्स टाइम टू अनबॉक्स दिस प्लम 10th बर्थडे बैश सेल बॉक्स. लिटरली बुक की तरह दिख रहा है. आई लव इट. इसको मैं डेफिनेटली उठा के रखने वाली हूँ. मुझे फैंसी पिया बॉक्सेस अच्छे लगते हैं, मैं कलेक्ट करके रखती हूँ एज अ मेमरी. सो या लेट्स ओपन दिस बुक एंड सी इसमें क्या क्या रिसीव हुआ. सो इट हैज दिस कार्ड काइंड ऑफ थिंग. वंस यू ओपन इट यू कैन सी 10 लिखा और ऐसे 3D फॉर्म में लिखा है. इन्होंने पूरी अपनी जर्नी एक्सप्लेन करी है एंड अ थैंक यू नोट एज वेल. सो लेट्स सी अंदर क्या क्या है. वी हैव सेट ऑफ प्रोडक्ट्स इनसाइड इट. तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ऑफकोर्स इनका काजल जो मैंने जस्ट आपको अभी अपने रिकमेंडेशन में भी बता ही दिया कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग होती है. इसके अंदर शार्पनर भी फ्री आता है. मैंने जस्ट आपको अभी दिखा दिया. आई टोल्ड यू दिस इज माई फेवरेट. नेक्स्ट अप इज अगेन समथिंग दैट आई रिकमेंडेड यू गाइज. ये मुझे पहले खोल लेना चाहिए था. सो ये प्लम का राइस वाटर एंड नायसिनमाइड सीरम मैंने जस्ट अभी आपको रिकमेंड किया है. आई लव इट. नेक्स्ट अप इज प्लम का राइस वाटर एंड नायसिनमाइड हाइब्रिड सनस्क्रीन. सो दिस इज द हाइब्रिड सनस्क्रीन जो इनके नायसिनमाइड रेंज की है. ये मैंने अभी तक प्रॉपरली ट्राई नहीं करी तो मैं ज़्यादा कॉमेंट नहीं कर सकती. अगर आपने प्लम की सनस्क्रीन ट्राई करी है प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे डाल दो ताकि बाकियों को भी आइडिया हो जाए बिकॉज ऑब्वियसली एज अ गर्ल मैं सब कुछ नहीं ट्राई कर सकती. एक इंसान कितना ट्राई करेगा. सो अगर आपने ट्राई करी है सनस्क्रीन तो प्लीज़ मुझे नीचे बताना. लेकिन फिलहाल मुझे ये वाली रिसीव हुई है. इट हैज़ SPF 50 विथ PA++ विच इज़ गुड. नेक्स्ट अप इज द स्मोकिंग वनीला परफ्यूम. सो मैंने जस्ट अभी आपको जो रिकमेंडेशन में बॉडी मिस्ट दिखाया है, वेयर इज़ इट. या सो ये जो इनका स्मोकिंग वनीला वाला बॉडी मिस्ट मैंने आपको दिखाया है, सेम रेंज का इनके पास परफ्यूम भी आता है. सो दिस आर द परफ्यूम लुक्स लाइक. ये अगेन ये लॉन्ग लास्टिंग है बिकॉज ये EDP है. दिस वन इज अ बॉडी मिस्ट तो ये एक या दो घंटे चलेगा. नेक्स्ट अप वी हैव द प्लम ट्विस्ट एंड गो मैट लिपस्टिक. ओ जस्ट मैंने अभी आपको जो न्यूड में दिखाई है ये सेम उसी रेंज की. आई होप सेम नाउ थोड़ा शेड अलग हो. दिस इज द शेड 129 डबल ट्रफल. ओके ट्रफल. ओ ट्रफल जो हमारा केक होता है बिल्कुल वैसा इसका शेड है. ओ इट्स नाइस. सो दिस इज डबल ट्रफल एंड लेट मी जस्ट स्वॉच दैट शेड अगेन सो दैट यू कैन सी अ डिफरेंस. दिस इज पीच ईयर सो यू कैन सी द डिफरेंस. ये थोड़ी सी लाइट है, काफ़ी अच्छा न्यूड ब्राउन शेड है तो ये भी मैं डेफिनेटली यूज़ करने वाली हूँ. मुझे ऐसे न्यूडिश ब्राउन शेड अच्छे लगते हैं. एंड एट लास्ट वी हैव समथिंग फ्रॉम द हेयर केयर रेंज. दिस इज द कोकोनट मिल्क एंड पेप्टाइड शैम्पू. ओ ये तो मैंने अभी फीचर भी किया है.
बट आई थिंक ये मिनी वर्जन है. ओके, आई हैव द फुल साइज वन और ये उसका मिनी वर्जन है. आई टोल्ड यू प्लम के सारे प्रोडक्ट्स में ना मिनी वर्जन भी आते हैं, विच इज़ गुड, कि पहले आप ट्राई करो उसके बाद ही फुल साइज लो. तो ये सेम वही शैम्पू जो मैंने आपको रिकमेंड किया उसका मिनी वर्जन है, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो. एंड विद दिस माई प्लम रिकमेंडेशन आर ओवर. इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो प्लीज चेक करना. इसके अलावा ये सारे परचेजेस पे आपको बाय टू गेट टू, फ्रीबीज या फिर कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा मिलने वाला है. लेकिन अगर आप मेरा कोड स्पेसिफिकली यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा फ्रीबी मिलेगा, बिकॉज सेल के टाइम आपको एडिशनल डिस्काउंट तो मिलेगा नहीं, बिकॉज इतनी अच्छी अच्छी सेल वो ऑलरेडी आपको दे रहे हैं. बट अगर आप मेरा कोड यूज करोगे कशिका 15, उससे आपको एक फ्रीबी भी मिल जाएगा. सो आप कितने का प्रोडक्ट लो, चाहे एक लो दो लो, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे यू विल गेट एडिशनल फ्रीबी. और सेल एंड होने के बाद ऑफकोर्स ये कोड आपका एक डिस्काउंट कोड की तरह भी काम करेगा, आपको एडिशनल 10-15% ऑफ मिल जाएगा यूजिंग माई कोड. सो डेफिनेटली यूज माई कोड एंड हेल्प मी अर्न अ लिटल एज वेल. बट ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं थी, आई जस्ट रियली वॉन्टेड टू डू सम अपडेटेड रिकमेंडेशन फ्रॉम प्लम, ताकि जब भी सेल लगे मैं अपडेटेड वीडियो आपको दिखाऊँ, अपनी 5-5 साल पुरानी वीडियो ना दिखाऊँ. सो या दैट इज फॉर डेज वीडियो. फॉलो मेरे इंस्टाग्राम फॉर मोर. मैं इंस्टाग्राम पे और अच्छे अच्छे सजेशन करूंगी. प्लम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डील तो लाता ही रहता है, तो मैं वो आपको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे बता दूंगी क्या क्या डील चल रही है. एंड या दैट इज फॉर डेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.